दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम आपको लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं से रूबरू करवाती आई है। अभी हम पहुंचे हैं राई हलके में। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत अंतिल जी, जेजेपी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी। आइए हम उनसे जानते हैं कि लगातार वो अपने दौरों के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग गाँव में सभाएँ कर रहे हैं, तो किस तरह का उनको समर्थन लोगों से मिला, किस तरह का प्यार उनको मिला और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आई। अजीत जी, मैं अजीत सिंह अंतिल, जेजेपी प्रत्याशी। 10 तारीख से लगातार राई हल्के के प्रत्येक गांव में पहुंच चुका हूं और वहां लोगों का मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान मिला है। लोगों ने मुझे विजयी बनाने का भरोसा दिलाया और दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का भी भरोसा दिलाया है। अजीत जी, जिस प्रकार से NLO का एक प्रत्याशी चुनाव से हट गया है, तो उसका प्रभाव या नुकसान, उसका कुछ फ़ायदा आपको नज़र आता है? NLO का प्रत्याशी हटने से हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को भी अपना प्रोग्राम ना होते हुए भी प्रोग्राम बनाना पड़ा है इस क्षेत्र पे प्रभाव डालने के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी को अपनी हार नज़र आ रही थी, इसलिए एक पंचायत के इलेक्शन की तरह यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जा रहे हैं, ये बीजेपी की बौखलाहट का परिणाम है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आज 5 साल बाद फिर वादा कर रहे हैं कि सोनीपत को मेट्रो दी जाएगी, इस क्षेत्र में मेट्रो आएगी, उद्योग देंगे और दूसरे रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे, क्या कहेंगे आप उनके? 10 साल तो कांग्रेस ने निकाल दिए हुड्डा की सरकार ने यहाँ इस क्षेत्र में मेट्रो लाने के लिए और 5 साल लगातार ढंडोरा पीट रही है बीजेपी के यहाँ मेट्रो लाएंगे। अब दोबारा से ये फिर मेट्रो का झूठा ढकोसला दे रहे हैं। अजीत जी, आपको चुनाव में काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में हो, तो किस प्रकार का आपको माहौल नज़र आ रहा है, किसके साथ आपको मुकाबला नज़र आ रहा है? अभी तो फिलहाल किसी के साथ भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोगों में JJP और दुष्यंत चौटाला के प्रति युवाओं में काफ़ी जोश है उसके साथ। हल्के की जनता को अगर आप कोई अपील करना चाहेंगे तो क्या? मैं अपने राय हल्के की जनता से अपील करता हूँ कि 21 तारीख को होने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे कामयाब करें और दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। दुष्यंत चौटाला जी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो युवाओं को रोजगार और इस पूरे हरियाणा का विकास होगा, बिजली पानी की व्यवस्था होगी और बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा। जी, तो दर्शकों, ये थे अजीत अंतिल जो कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनके आने के बाद इस हलके के लिए किया जाएगा। बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। देखते हैं आने वाली 24 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, कितना ये अपने उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। कैमरामैन सोमवीर के साथ तेजवीर सिंह राय, नमस्कार।